हेलो एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखेंगे पाई स्पार्क रिलेटेड ऑर्डर बाय, जो कि सॉर्टिंग का काम करता है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग में, वो वाला पार्ट देखने वाले हैं। एंड आपने देखा भी होगा, जब आप एसक्यूएल करते हो ना, एसक्यूएल में ये आप सॉर्टिंग ऑर्डर बाय करते हो, आफ्टर आपको किसी भी कॉलम का, मतलब किसी भी कॉलम को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है, तो यू नीड दैट थिंग। और आप बोलोगे कि यार ऑर्डर बाय करने से क्या होता है, मीन्स एक एक एग्जांपल चाहिए। तो अभी आपको कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए और आपको ये पहचाना है कि आप यू नीड टू फाइंड आउट 5 स्टेट विच आर मोस्टली कम इन दैट कॉलम, मतलब रिपीटेडली बहुत बार आए। जैसे कि आपको स्टेट्स दिए गए और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 5 स्टेट डीमैट अकाउंट ओपनिंग में बहुत ज़्यादा अग्रेसर है, मतलब उनका डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं उस स्टेट में। जैसे कि महाराष्ट्र में सबसे एक नंबर पे महाराष्ट्र फॉर डीमैट अकाउंट, सेकेंड इज गुजरात एंड थर्ड आई डोंट नो, बट आपको निकालना है कि 5 स्टेट ऐसे निकालने जिनमें सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट है। और आपको 50 आपको जैसे कि 30 या 35, अभी ये एग्जांपल बना रहा हूँ इसलिए, 30 या 35 आपको स्टेट दिए गए या सिटीज दी गई है, तो आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टॉप 5। तो आपको क्या क्या करना होगा, सबसे पहले तो उसको सॉर्ट करना होगा और उसके बाद आप 5 निकाल के दोगे। तो उसी तरह से जो एग्जाम्पल दिया है, उसी तरह से हमें किसी प्रॉब्लम में हमें टॉप 5 निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? और तो उसको ऑर्डर बाय लगाना होगा। तो सबसे पहले हम पाई स्पार्क वाला सेशन स्टार्ट करेंगे। पाई स्पार्क वाला सेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा पहले पीपी इंस्टॉल, बिकॉज ये वर्चुअल मशीन है, जो मैं गूगल पोल ऐप चला रहा हूँ, ये वर्चुअल मशीन है, हर टाइम को हमें ये पीप इंस्टॉल करना जरूरी है। इफ यू आर रनिंग विद वीएस कोड, देन यू डोंट नीड टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी अगेन एंड अगेन। ओके, तो सेकेंड स्टेप इज तो सेशन स्टार्ट करना है, तो सेशन को इंपोर्ट करना होगा ना। pyspark.sql से हम क्या करेंगे, स्पार्क सेशन इंपोर्ट कर लेंगे। देन हमने क्या किया, स्पार्क इज इक्वल टू स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर, ये 3 चीजें देनी जरूरी है, बिल्डर, ऐप नेम, क्रिएट, गेट और क्रिएट। ओके, और इसको मैंने sample3 नाम दे दिया, बिकॉज दिस इज द थर्ड वीडियो रिलेटेड टू pyspark वी आर क्रिएटिंग। ओके, आई एम क्रिएटिंग, सॉरी नॉट वी। सो इसके आगे हम इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि हमें बहुत जरूरी है इसमें ऐड करना। फर्स्ट इज हेडर एंड सेकंड इज इंफ्रा स्कीम, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी मेंशन किया, बट ये मैं हर बार कर रहा हूँ, बिकॉज पाई स्पार्क सीखते वक्त आप कुछ स्टेप्स भूल सकते हो। और अभी हम तीसरे वीडियो पे आया, इफ यू आर वॉचिंग माई फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो, तो आप ये तीसरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी आपको जरूरत नहीं है जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना। तो ये जो ऑप्शन ऑप्शन में हेडर है, इन्फर स्क्रीमा है, ये जो रीड करने का है ना, ये प्रोसीजर आपको पता चल गया है। अब आप प्रो बन गए हो इस चीज में कि रीड कैसे करना है, बिकॉज यू आर, मतलब आपने वो प्रैक्टिस किया है, 2-3 बार गए तो आपने प्रैक्टिस किया, वो आपके दिमाग में छप गया कि ये कैसे रन करना है। सो df.show, तो हमने 5 रो, और ये आयरिस का डेटा है, आयरिस ये फ्लावर का टाइप है, और उसका उसकी सेपल लेंथ, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, मतलब जो फ्लावर की जो लीप्स है, लीफ है, उसकी विड्थ एंड लेंथ दिया गया है, और उसके अनुसार यहाँ पे स्पेसिस दिया है, मतलब वो फ्लावर के स्पेसिस होते हैं, जैसे कि अभी स्पेसिस यानी उसी में वर्जन होना, कि वर्जन नहीं बोल जाएगा, मे बी वर्जन, और उसमें के टाइप्स होना, इन जनरल लैंग्वेज टाइप्स, कि एक फ्लावर के एक ही फ्लावर है, गुलाब या सफरचंद है, जैसे कि सफरचंद आपको, एप्पल आपको कश्मीर में भी मिलता है और किसी और जगह से भी मिलता होगा कश्मीर, तो अलग अलग कश्मीर का एप्पल अलग है और एक जगह का एप्पल अलग है, तो ये उसका क्या हो गया, एक ही है लेकिन उसके अलग अलग वेरियंट है, तो ये स्पेसिस है। तो इसमें सेटोसा है और 4 टाइप है टोटली,
तो मैं अभी इसमें ये डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन सॉर्ट कैसे लगाना है, सॉर्ट और ऑर्डर बाय दोनों का एक ही काम है, लेकिन यहाँ पे हमने सॉर्ट बोला है और उसी को हम एसक्यूएल में ऑर्डर बाय बोलते हैं, और पाई स्पार्क में एसक्यूएल का बहुत ज्यादा रिलेशन है। तो एसक्यूएल में जितने काम आप कर सकते हो उतने ही काम आप पाई स्पार्क में कर सकते हो। आप हर एक क्वेरी चला सकते हो, आप हर एक फंक्शन रन कर सकते हो इसमें। ओके, तो पाई स्पार्क डेटा फ्रेम टू सॉर्ट डेटा फ्रेम बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन सिंगल और मल्टीपल कॉलम। यू कैन ऑल्सो डू द सॉर्टिंग यूजिंग पाई स्पार्क एसक्यूएल सॉर्टिंग फंक्शन। तो आपको इसमें समझ में क्या आ गया, हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर ही कर तो सकते ही सकते हैं, लेकिन यू कैन रन अ मल्टीपल कॉलम जैसे कि हम एसक्यूएल में करते हैं, टू ऑल कॉलम कर सकते हैं, इवन यू कैन आप स्पेसिफिकली मुझे सेपल सेपल लेंथ चाहिए, सेपल विड्थ चाहिए, वो हम स्पेसिफिकली कर सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे असेंडिंग में करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए एस सी डी एफ डॉट सॉर्ट, बाद में डेटा फ्रेम से कौन सा मुझे ये चाहिए कॉलम चाहिए वो, और उसके आगे मुझे लगा देना है असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसका नोटेशन क्या है। तो ये आपको पता चल रहा है, यहाँ पे असेंडिंग के लिए होता है कि जैसे कि ए एस सी, और डिसेंडिंग के लिए होता है डी ई एस सी। तो ये ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में भी ना रहे तो भी नो प्रॉब्लम, मतलब इजीली अवेलेबल ये डेटा आपको हेल्प में जाओगे तो मिल ही जाएगा। तो हमने ये अभी जो है सेपल लेंथ सेंटीमीटर को हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, तो यू कैन सी द फर्स्ट रो इज नाउ 14th रो, आईडी नंबर 14 आ गया है 14। तो उसमें क्या आ गया, 4.3 से स्टार्ट किया उसने, देखो 3.4.4 4.4 4.5, अभी ये अपने असेंडिंग में ऑर्डर में कर दिया। उसी तरह से उसने क्या किया, सबको जैसे इसको उसने असेंडिंग में किया, उसने सबको असेंडिंग में कर दिया, मतलब सब कॉलम को उसने असेंडिंग में कर दिया। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, अभी डिसेंडिंग में करना है, तो उसने स्टार्ट किससे किया, 7.9, फिर बाद में 7.7 7.6, ये डिसेंडिंग में हो गया। नाउ अभी इसमें हमने इसको क्या कर दिया, एसक्यूएल में कन्वर्ट करना है। तो एसक्यूएल में किसी भी डेटा फ्रेम को आपको एसक्यूएल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या चलाना होगा, डेटा फ्रेम डॉट क्रिएट सैम क्रिएट और रीनेम, नहीं सॉरी रिप्लेस, नॉट रीनेम, रिप्लेस टेम्प व्यू। तो ये आपको चलाना है, और ये आपको याद नहीं रहता है ना तो नॉट अ बिग डील, आप गूगल भी कर सकते हो, गूगल बाबा आपको हर एक जगह हेल्प करेगा। बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, यू डोंट नीड, मतलब आपको हर टाइम को गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जैसे जैसे इसमें रन कर रहा हूँ ना, तो वैसे वैसे आप भी रन करके देखो इसको, एक 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 जो नेटवर्क है, एक 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 जो हम लाइन कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन आप भी करके देखो। तो आपको जब 5-6 वीडियो हो जाएगा ना देख के, और आप ये परफॉर्म कर लोगे ना, तो 7th वीडियो में आप खुद ये परफॉर्म कर पाओगे, मैं कितना भी कुछ भी बोल लूँ यहाँ पे। तो प्रैक्टिस इज नेसेसरी है इसमें, क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, तो ये डालना जरूरी है। और जो हमने ऊपर जो ऐप नेम दिया था, वहीं से हम ऐप नेम यहाँ पे ले रहे हैं, लाइक आप देख पा रहे हो सैंपल 3। तो इसने ये जो डेटा फ्रेम था वो रीड कर लिया, और इसको एसक्यूएल फॉर्मेट में दे दिया, टेबल एज अ टेबल फॉर्मेट में दिया। फिर क्या है, हमने पास स्पार्क में से एसक्यूएल ले लिया, स्पार्क एसक्यूएल, और उसमें हमने क्या लिया, सिलेक्ट, जो हम क्वेरी एसक्यूएल में चलाते हैं, सिलेक्ट सेपल सेपल लेंथ सेंटीमीटर, सेपल विड्थ सेंटीमीटर फ्रॉम सैंपल 3, ऑर्डर बाय किसका ऑर्डर बाय करना है मुझे, सेपल लेंथ असेंडिंग ऑर्डर, शो ट्रंकेट फॉल्स। ट्रंकेट फॉल्स मतलब क्या करता है, अदरवाइज ये नहीं, ये पूरा ये मैं रन कर दूंगा ना, तो ये पूरा ट्रंकेट फॉल्स डालना नहीं ना यहाँ पे अपने, तो वो क्या कर देगा, इट विल शो फुल 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 टेबल। तो ये 20 रोज नहीं बताएगा, पूरा टेबल बताएगा, उसके वजह से वो बहुत आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ट्रंकेट फॉल्स डाल दीजिए, तो आपको बराबर से एक प्रॉपर व्यू दिखेगा। आपको फुल पेज देखना है या फुल रिजल्ट देखना है, तो यू कैन से जस्ट ट्रू हियर, और यू कैन सी दैट रिजल्ट। ओके, सो व्हाट वी हैव डन इन दिस वीडियो, वी हैव डन द ऑर्डर बाय और सॉर्ट थिंग। ऑर्डर बाय एसक्यूएल में चलाते, और सॉर्ट हम किस में चलाते, पाई स्पार्क में। तो वी हैव कंप्लीटेड अवर 3rd वीडियो रिलेटेड टू स्पाई स्पार्क, ऑर्डर बाय सॉर्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपने पहले पहले दो वीडियो देखे नहीं तो वो भी देखो। आई नो मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फीका है, बट इससे आपको 100% फायदा होगा ही होगा इंटरव्यू में। और मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, कि इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन जो 100% आप पाइस पार्क के रिलेटेड इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये पूछे ही जाते हैं। मतलब ये बहुत मतलब पूछे ही जाते हैं। ओके, तो ये मेरे अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, अपकमिंग वीडियोज में। तो स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे कुछ काम करने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू देयर।